बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्हें एक ही रात में सफलता पाते हुए लोगों ने देखा है। जिनमें कई कलाकार तो अपनी पहली ही फिल्म से मशहूर हो जाते हैं तो कईयों को सफलता पाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिनका करियर आसमान की ऊंचाइयों को छूने के बाद तुरंत जमीन पर आ गया। जी हाँ, उनकी एक गलती की वजह से जनता ने तो उन्हें नकारा ही, साथ ही इंडस्ट्री ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। इस तरह से अपनी उन्हीं गलतियों की वजह से ही खुद ही उन सभी ने अपना सफलता भरा करियर डुबो दिया था। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही सितारों से रूबरू कराने वाले हैं जिनकी एक गलती ने डुबो दिया उनका करियर। तो फिर आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर वन, ममता कुलकर्णी। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी एक मशहूर अभिनेत्री थी, पर उसी समय उन्होंने ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ लिंकअप कर लिया। गोस्वामी जैसे शख्स के साथ नाम जुड़ने के बाद इनका अर्श पर चल रहा करियर फर्श पर आ गिरा। इसलिए तो जब इन्होंने अपने करियर को दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो इन्हें किसी ने फिल्मों में काम नहीं दिया, जिसके बाद से ही इन्होंने खुद ही अपने आप को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया और शांति से जीवन जीने का रास्ता चुना ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। बता दें कि वर्तमान में ये महाराष्ट्र के खपोली गांव के गगनगिरी आश्रम में एक साध्वी का जीवन बिता रही हैं। नंबर टू, विवेक ओबेरॉय। अभिनेता सुरेश ओबेरॉय के बेटे विवेक ओबेरॉय की बॉलीवुड में शुरुआत बहुत ही जबरदस्त रही थी, जहां फिल्म साथिया और कंपनी की सफलता को देखते हुए विवेक का भविष्य बहुत बड़ा माना जा रहा था। फिर विवेक और ऐश्वर्या राय के अफेयर की खबरें आनी शुरू हुई, जिसके बाद सलमान खान ने विवेक को धमकाना शुरू कर दिया और ऐसा खुद विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था। इसलिए तो साल 2004 से लेकर अब तक विवेक ने जितनी भी फिल्में रेल रोड में की हैं, वो सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। विवेक ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनका सलमान खान को चैलेंज करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नंबर थ्री, जरीन खान। बॉलीवुड फिल्मों में सलमान खान के फिल्म से एंट्री लेने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस जरीन खान ने आते ही जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी। उनकी तुलना बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस कैटरीना कैफ से होने लगी। बता दें कि जरीन ने साल 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म वीर से डेब्यू किया था, लेकिन कैटरीना कैफ की हमशक्ल होने की वजह से इनका करियर बर्बाद हो गया। जी हाँ, इन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्हें कैटरीना की तरह दिखने की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जरीन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई फिल्म मेकर्स ने डुप्लीकेट होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया और इसलिए ही जरीन फिल्मों में नजर नहीं आती। नंबर फोर, फरदीन खान। फरदीन खान भी कई हिट फिल्म देने के बाद नशे की लत के शिकार हो गए थे। नशे ने ना ही इनका फिल्मी करियर तबाह किया, इन्हें साल 2011 में तो कोकीन लेते हुए गिरफ्तार भी किया गया। इस कारण से ये फिल्मों से दूर हो गए। इसके अलावा इन्हें एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। इस लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर कहीं फरदीन के जीवन में कुछ सुधार आया है और फरदीन फिल्मों में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। नंबर फाइव, मंदाकिनी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से मंदाकिनी रातों रात बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा बन गए और आगे कई हिट फिल्में देकर इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान एक सफल अभिनेत्री के रूप में बना ली थी। पर जिस समय ये अपने करियर में सफलता के चरम पर थी, उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ इनकी कुछ तस्वीरें सामने आई। यह तस्वीरें जैसे ही सामने आई तो मंदाकिनी की इंडस्ट्री में जो एक अच्छी एक्ट्रेस की छवि बनी हुई थी वह खराब हो गई। हर कोई फिल्म मेकर इन्हें अपनी फिल्म में लेने से इनकार करने लगा। मंदाकिनी का दाऊद के साथ रिश्तों की अफवाह ने ही इनका करियर बर्बाद कर दिया। नंबर सिक्स, मिथुन चक्रवर्ती। इस लिस्ट के आखिरी कड़ी में नाम आता है बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का, जिनकी एक गलती ने कर दिया उनका करियर बर्बाद। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में इन्होंने बीजेपी का झंडा थाम लिया। इस मौके पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था, मैं असली कोबरा हूँ, डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे। मैं झोलधरा सांप नहीं हूँ, बेले बुरा सांप नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ, एक दंश में ही काम तमाम कर दूंगा। बस इसी डायलॉग की वजह से इन्हें खूब ट्रोल किया गया और दर्शकों के दिल से इनकी अच्छी इमेज खराब हो गई, जिसके बाद कई लोग इन्हें भला बुरा कहने लगे। वेल, आपको क्या लगता है, वाकई इनकी एक गलती की वजह से इनका बना बनाया करियर बर्बाद हो गया या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।